हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मी के पावर बैंक 3i के बारे में बताने वाला हूँ, जो 10,000 mAh का पावर बैंक है। और ये जो है वो आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पावर बैंक में आपको क्या क्या खासियत मिलते हैं और ये इंडिया में अवेलेबल हो गया है तो इसमें आपको कितना जो इसका प्राइस रखा गया है वो सब कुछ जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मी के पावर बैंक 3i का जो वेरिएंट है, ये जो है वो एक स्मॉल वेरिएंट है, जिसमें आपको जो है वो 10,000 mAh का जो है वो आपको बैटरी मिलता है। लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको इसमें मिलता है। और इसका जो वेरिएंट का मॉडल नंबर है वो है 3i। और इसका प्राइस जो है वो सेम टू सेम 2i के जैसा है, 899 rupees। और 2i का भी जो प्राइस है, मी पावर बैंक 2i, उसका भी प्राइस आपको 899 rupees मिलता है। सो गाइज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। बट अभी मैं बताता हूं कि आपको मी पावर बैंक 3i में क्या क्या कुछ मिलने वाला है। तो फर्स्ट, इसमें आपको जो है वो 10,000 mAh का पावर बैंक जो है वो ये है। और इसमें आपको जो है वो 12 लेयर का प्रोटेक्शन मिलता है। आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोटेक्शन इसमें मिलते हैं, जिससे आपका जो पावर बैंक है वो सेफ रहेगा। आप देख सकते हैं वेदर प्रोटेक्शन है और बहुत कुछ प्रोटेक्शन जो है वो आपके पावर बैंक में दिया गया है। 12 लेयर प्रोटेक्शन जो है वो आपको इसमें मिलता है। लिथियम पॉलीमर जो है वो बैटरी दिया गया है। और 2-way फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। 18 वाट का जो है वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ये पावर बैंक करता है, तो आपके फ़ोन को जो है वो चार्ज कर देगा। और एक टाइम में आप जो है वो दो डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो आउटपुट का जो है वो आपको USB का सपोर्ट मिलता है इसमें आपको, और दो इनपुट का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके पास एक टाइप सी वाला फ़ोन है और उस फ़ोन को कैरी करते हैं चार्जर के साथ, तो आपको पावर बैंक को जो है वो एक अलग चार्जर का केबल जो है वो कैरी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन जो है वो टाइप सी भी सपोर्ट करता है और माइक्रो USB भी सपोर्ट करता है, जिससे इस पावर बैंक को आप चार्ज कर पाएंगे। और इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए आप कोई भी ब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी चार्जर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है आपके चार्जर को जो है वो फुल्ली चार्ज कर सके। और गाइज, इसमें जो है वो आपको 2-way इनपुट का भी सपोर्ट मिलता है और 2-way आउटपुट का सपोर्ट मिलता है। टोटल जो है आपको 4 पिन्स मिलते हैं, 2 जो है वो आपको USB का सपोर्ट मिलता है और 2 जो है वो इनपुट के लिए टाइप सी और USB माइक्रो USB का सपोर्ट मिलता है। और इसमें आपको एक जो है वो स्मार्ट पावर मैनेजमेंट का भी सपोर्ट जो है वो दिया गया है, जो सारे पावर बैंक्स में मिलता है। इससे क्या होगा कि अगर आप छोटे मोटे डिवाइसेस को चार्ज करते हैं, जैसे मी बैंड हो गया और स्मार्ट वॉचेस ये सब हो गया, उसको अगर आप चार्ज करते हैं तो जो पावर जो दूसरे जितना उसको पावर चाहिए उसको चार्ज होने के लिए, उतना ही पावर जो है वो मैनेज कर पावर बैंक के थ्रू जाएगा, ना कि 18 वाट का फास्ट चार्जर उसमें जो है वो आपके डिवाइस को जो है वो सेफली चार्ज कर देगा। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को नहीं होगा। सो गाइज, ये पावर बैंक काफ़ी बेहतरीन है, अभी ये अवेलेबल है, आप जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।